अगले कुछ देर अपने सारे डिस्टर्बेंसेस हटा लो, ईयरफोन्स लगाओ, आंखें बंद करो और सुनो। सबसे पहले क्लैप फॉर योरसेल्फ। इस एग्जाम के इस पॉइंट तक आए हो, वो भी बिना पेरेंट के प्रेशर के। कभी आपके पेरेंट ने पढ़ने नहीं बोला कि पढ़ ले, जैसे स्कूल के एग्जाम्स के लिए बोलते हैं। ना ही आप ये किसी भेड़ चाल में यहाँ पे आए हो कि मेरे दोस्त ने क्लैट के एग्जाम को सेलेक्ट किया, या मेरा दोस्त ये कर रहा है, या फिर सबको ये करना होता है तो मैं ये कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपने अपनी मर्जी से सेलेक्ट की, और ये सब अपनी मर्जी से करते हुए आप इस पॉइंट पे पहुँचे हो कि आप एक्चुअल एग्ज़ाम देने जा रहे हो। 90% गेम आपने यहीं पे जीत लिया है। सीरियस हो आप, अगर आप कुछ चीज़ करने के लिए ठान लेते हो तो एंड तक कर सकते हो। अब पूरे इस जर्नी को याद करो, वो सेक्शनल टेस्ट देना, वो मॉक टेस्ट देना, स्कोर का बढ़ना घटना, बढ़ने पे खुश होना, कम होने पे टेंशन लेना, जीके के टॉपिक्स करना, ढूंढते रहना, जब नया टॉपिक होता था तो परेशान हो जाना कि ये ऐड हो गया, खराब मॉक्स को गाली देना कि कोचिंग वाले कैसे मॉक्स बना रहे, ये मॉक का ये क्वेश्चन बेकार था, रीजनिंग समझना, ये सब इन्जॉय करने वाली चीज़ें हैं। क्या पता ये फिर ये सारी चीज़ें आएंगी या नहीं आएंगी। वॉट एवर यू हैव डन इज सफिशियंट। ये चीज़ माइंड में मत लाना कि मेरे दोस्त ने 4 कंपेंडियम किए हैं, मेरा ये दोस्त इतने स्कोर ला रहा है, एग्जाम सेंटर पे ये बच्चा ये पढ़ रहा है। देखो, क्लैट एक ऐसा एग्जाम है जिसके आप सिलेबस को 100% पूरा नहीं कर सकते, ना आप ना कोई और। तो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट है, जो भी आपका कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें जितना आपने तैयारी की है, उस तैयारी में आपका कितना कमांड है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एंड अगर आप इस चीज़ को श्योरली बता सकते हो कि आपने ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार किया है, तो एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर कुछ चीज़ें छूटी हैं, मतलब वो इम्पॉर्टेंट नहीं थी, अगर वो इम्पॉर्टेंट होती आपके माइंड में आ जाती या फिर मैं आपको बता देता। वो छूटी इसलिए है क्योंकि उनका वैल्यू इतना ज़्यादा नहीं था कि जो चीज़ें आपने की है उनको छोड़ के आप उन चीज़ों को करते। फिर भी अगर ज़्यादा टेंशन आपके माइंड में आता है पेपर को लेके, कि कैसा पेपर जाएगा, क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इमेजिन करो खुद को रिजल्ट वाले दिन। ये जितनी मेहनत आपने की है, जितने सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं, जितनी पार्टीज आपने छोड़ी है, जितने अपने पसंद के काम आपने छोड़े हैं, कोई स्पोर्ट खेलते हो तो आप वो स्पोर्ट्स आपने छोड़ा है, स्कूल आप रेगुलर नहीं गए हो, फ्रेंड्स से आपने नहीं मिला है, ये सारी चीज़ें वर्थ इट होंगी। इमेजिन करो कैसा रिलैक्स्ड फील होगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। कई बार आप टेंशन लेते हो कि भैया पैटर्न चेंज हो गया तो, पेपर टफ आ गया तो, पेपर लेंथी आ गया तो, ये सारी चीज़ों के लेके आप डरते हो, राइट? अगर इन सब चीज़ों को लेके आप डरते हो तो मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूं, सुनना। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये जो पेपर का पैटर्न चेंज होने वाला चीज़ें हैं, पेपर का अलग होने वाली चीज़ें, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। आपका जो डेडिकेशन है इन चीज़ों से ये हिल नहीं सकता, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। आपने अपना कंसेप्ट स्ट्रांग किया है, मैंने आपको आपका कंसेप्ट स्ट्रांग कराया है। पैटर्न कभी भी चेंज होता है तो क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज होता है, सिलेबस चेंज नहीं होने वाला। एजम्पशन वही रहेगा, स्ट्रेंथ एंड वीकन वही रहेगा, लीगल के प्रिंसिपल वही रहेंगे, पूछने का तरीका बदल जाएगा। तो आप उस चीज़ों को निकाल दो, सिलेबस नहीं बदलने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न बदलेगा। तो उस चीज़ को माइंड में रखो कि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है। ये जो पेपर के 2 घंटे आपके होने वाले हैं, निकाल दो माइंड से कि कौन सा NLU मिलेगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अपने माइंड को ये समझा दो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, और पेपर को एक टॉपर की तरह सॉल्व करो। जैसा इमेज आपने अपने माइंड में बनाया हुआ है कि एक टॉपर को कैसा होना चाहिए क्लैट का, या अपने आप को जिस आइडियल फॉर्म में देखते हो आप कि मैं अगर ऐसे पेपर सॉल्व करता, मैं अगर इस तरीके से रीड करता, मैं अगर इस तरीके से ऑप्शन मार्क करता, इस स्पीड से सॉल्व करता, जो आपने इमेजिन किया है, सॉल्व द पेपर लाइक दैट। जो आपने पिक्चर बनाई है एक आइडियल क्लैट स्टूडेंट की जो एग्जाम क्रैक कर सकता है, उसी तरीके से अपने पेपर को जाके आप अटेंड करो। पेपर ईजी, टफ, पैटर्न चेंज सबके लिए सेम होगा। एंड अगर ऐसी चीजें होती है तो सब इवेंट फील्ड में होंगे, विच इज इवन बेटर फॉर यू।
अगर नहीं होता है तो आप तो ऑलरेडी इसके लिए एक्सपीरियंस्ड हो। तो इन चीज़ों को माइंड से हटा दो। वो जो 2 घंटे होंगे आपके, अपने लाइफ का बेस्ट मॉक लिख के आओ। अपने बेस्ट मॉक से ज़्यादा ही स्कोर करो, क्योंकि हमेशा आपने देखा है कि मॉक से ज़्यादा ईजी आपका क्लैट का PYQ आया है। तो वो 2 घंटे अपने लाइफ का बेस्ट मॉक लिख के आओ। तुम्हारे साथ मेरी एनर्जी है, वो पूरे 2 घंटे मेरी एनर्जी तुम्हारे साथ होगी। और तुम्हें क्या लगता है, तुम सिर्फ अकेले हो? तो रुको और देखो और कौन है तुम्हारे साथ। हेलो एवरीवन, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यस, स्ट्रेस इज वेरी नॉर्मल एट दिस पॉइंट, बट जो चीज़ डिफरेंस क्रिएट करेगी दैट विल बी हाउ यू विल डील विद द क्लैट पेपर इन दोज 2 आवर्स। पढ़ाई सब ने करी है, मेहनत सब ने करी है, बट नाउ अब आप उन 2 घंटे में जो करने वाले हो, उस टाइम पे आपकी जो मेंटल स्टेट रहने वाली है, दैट विल काइंड ऑफ डिटरमिन योर आउटपुट। एंड आई वुड सजेस्ट कि क्लैट वाले दिन जस्ट स्टे विद दोज पीपल जो आपको मोटिवेट करें। फॉर एग्जांपल, मेरा जब क्लैट था, इट वाज अ 1 आवर ड्राइव फ्रॉम माय होम क्लैट सेंटर तक, तो माय फादर वाज देयर थ्रू आउट विद मी द होल टाइम एंड ही मोटिवेटेड मी। उन्होंने वो पॉजिटिव वाइब दी, विच इज़ वाई वो 2 घंटे में वो कामनेस और कंपोजर मेंटेन करके रख पाया। सो या, दैट इज द की टू क्रैक द क्लैट पेपर। हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। देखो, अच्छे से करना है पेपर, मोटिवेशन की कमी नहीं है, टीचर्स हैं, अभ्युदय भाई हैं, हर कोई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द थिंग इज, खुद मोटिवेटेड रहना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, कॉन्शियस रहना है। व्हाट आर यू डूइंग, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट थिंग। आराम से चिल करो, कोई इतना लोड नहीं है, पढ़ चुके हो तुम सब कुछ अभी। ऐसा कुछ नहीं है कि अब जो नहीं पढ़ा है वहाँ से आएगा या कुछ ऐसा है, उसके बारे में मत सोचो। जो नहीं पढ़ा है छोड़ो उसको, जितना पढ़ा है कॉन्फिडेंट रहो उसमें, आराम से जो अपना बेस्ट दे सकते हो अपना बेस्ट दो। ओके, आई फील लाइक दिस 2 more days टू क्लैट एंड आई नो एवरीवन इज रियली नर्वस एंड एवरीवन, सम पीपल आर लिटिल एक्साइटेड टू राइट क्लैट, बट ट्रस्ट मी, बीइंग नर्वस इज नॉट गोना हेल्प यू। आई फील लाइक एट दिस पॉइंट यू शुड रियली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्लीप, बिकॉज आई फील लाइक एट अराउंड 2 to 4 यू आर गोना बी रियली नर्वस। इफ यू हैव द प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप, यू आर रियली गोना बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड ट्रस्ट मी, डोंट वरी। एंड आई हैव अ स्पेशल मैसेज टू ऑल द ड्रॉपर्स आउट देयर, आई एम अ ड्रॉपर टू एंड आई टुक लाइक 1 year ब्रेक टू कम हियर एंड ट्रस्ट मी, इट्स ऑल गोना बी वर्थ इट। इवन इफ यू डोंट मेक इट, ऑल द हार्ड वर्क गोना पे ऑफ ईदर वे, द 1 year यू हैव स्लॉग्ड इज रियली गोना कम वर्थ इट। आई होप यू ऑल रियली डू वेल, थैंक यू। Hi everyone, first of all the best for your paper, and more than that there are just few tips that I want to give you. Make sure that you don't get sick on the day of the paper, that was a very big mistake that happened to me. Moreover, there is one important thing that when you see the paper, now do not get panic or anything. More than that, it's essential that you are flexible in your pattern. I agree you all have a particular pattern when you are attempting the paper, but be flexible when you see the paper. You don't know what kind of surprises they might entail in your paper. More than that, we'll be happy to see you in NLS, and yeah, be flexible in your paper. That is the biggest tip that I have, I guess. Best of luck guys for CLAT 2024. At this point, just keep your head calm and keep practicing. I know you will do good. Best of luck. Hello guys, this is Arnav Singh, a first year student at the National Law School of India University. As you know that your CLAT exam is just around the corner, so I'll be giving you some tips and tricks for the last minute prep of this very important exam. The first tip is stay calm and composed. That is one of the many essentials that you need to know while you're writing the exam. On the day of the exam itself, don't change your sleep schedule at all. Your caffeine intake should be very low. Don't take a lot of caffeine high substances. And another tip would be that go one day before to the exam center, figure out the way to there, and if possible, if your exam center is in another city, make sure that you don't travel on the same day, because it exhausts your body and you don't want that on the day of your exam itself. Secondly, stay calm and composed during your exam. Read the questions very carefully. At times what happens is that because of the fact that you know this is such an important exam, it is conducted in such a magnanimous scale, you get excited, you get nervous, and because of that, you mess up while reading those exam, those questions themselves. So stay calm and composed. Take a breather before you are starting to attempt the questions. Drink a lot of water, keep yourself hydrated, and yeah. Hey guys, there's 2 days to CLAT left now. I think the most important thing for you now is to do well in the paper, and for that, I think you have to be calm and composed while writing the paper.
just don't take a lot of stress. I've seen a lot of people falter because of it. Just write it in peace state of mind. And another thing that's very important is don't make any OMR mistakes. That's just about it. That's all you need to do for the CLAT paper, because I'm sure you've studied well. So do well, guys. All the best. All the best. All the best, guys. All the best for your paper, guys. All the best, guys. All the best for the exam. तो जाओ और एक आखिरी बार अपना बेस्ट मॉक देके आओ. ऑल द बेस्ट. जय हिंद.